हो सकता है आप लोग अपने घर में जहर खा रहे हो, क्योंकि जो मार्केट में घी मिलता है वो नकली ही होता है। पर आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं 5000 साल पुराने तरीके से जैसे घी निकाला जाता था, उसी तरीके से आज भी वैसे ही घी निकाला जाता है इस गांव के अंदर। शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं। सबसे पहले गाय के बछड़े को उसका पेट भरने दिया जाता है। ये देखो भाई दूध पी रहा है, और यहाँ पे अपनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सबसे पहले भाई दूध निकाला जाता है देसी गाय का, आप जैसे कि आप देख सकते हो। और ये देखो भाई पूरी बाल्टी भर चुकी है। उसके बाद भाई देखो उपले इकट्ठे करे जा रहे हैं। यहाँ पे भाई जितना भी प्रोसेस है, कोई भी गैस का यूज नहीं होता, कोई भी मशीनरी का यूज नहीं होता, घी एकदम नेचुरल तरीके से निकाला जा रहा है। यहाँ देखो भाई खाने बने हुए हैं, उसके अंदर देखो भाई उपले लगाए जा रहे हैं। ये देखो ये दूसरे खाने में लगाए जा रहे हैं। अब देखो, अब इसके बाद भाई अंगारे डाल दिए, क्योंकि भाई इनको जलाएंगे। उसके बाद भाई जो दूध निकाला था गाय से, उसको देखो यार मटकों के अंदर डाला जा रहा है। मतलब एकदम पुराने तरीके, पुराने स्टाइल से बनाया जा रहा है। ये देखो भाई अब दूसरे मटके के अंदर दूध आ चुका है। अब जो भाई ये मटके हैं, इनको उठा के भाई इन खानों के अंदर रख दिया जाएगा। ये देखो, और ये कम से कम भी भाई 10-10, 11-11 घंटे, मतलब पूरी पूरी रात पकता रहेगा अब ये दूध, जब तक ये रबड़ी नहीं बन जाता। ये देखो भाई ये रख चुके हैं। ये देखो अब 10 घंटे पकने के बाद आप दूध देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा सा रेडिश हो गया है। अब नए दो मटके लिए जाएंगे, उसके अंदर जो भाई जो दूध कट चुका था, जो रबड़ी बन चुका था, वो निकाला जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो भाई ये 10 घंटे पूरी रात पका हुआ है। ये देखो भाई ऐसे ही दूसरे के मटके के अंदर भाई दूध डाला जा रहा है, और उसके बाद इनके अंदर ये खट्टा डाला जाएगा, ये दही डाला जा रहा है मटकों के अंदर। दही इसलिए डाला जा रहा है कि भाई दही बन जाए, और भाई अगले दिन आप देखना। अब भाई नेक्स्ट डे आ चुका है, ये देखो भाई कितना गाढ़ा एकदम क्रीमी क्रीमी दही बन चुका है। ये देखो, तो भाई जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई यहाँ पे जो घी बनाया जा रहा है ना, वो एकदम देसी तरीके से बनाया जा रहा है, कोई मशीनरी का यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे कि आप देख सकते हो भाई ये लकड़ी के ढांचे के ऊपर भाई ये देखो मटका रखा गया है जो दही बन चुका था। अब भाई इसको देखो रस्सी लगा के किस तरीके से ये देखो भाई इसको मिलाया जा रहा है पूरा, जैसा कि भाई आप देख सकते हो। भाई कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं है, कोई भी बिजली यूज़ नहीं है, नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है। देखो भाई मक्खन लगभग देखो रेडी हो चुका है। अब भाई इस मक्खन को निकाल दिया जाएगा भाई छोटी सी मटकी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई मक्खन तैयार होके। ये देखो अब इस मक्खन को भाई वापस रख दिया जाएगा भाई, ये देखो गर्म होने के लिए। अब निकलेगा भाई शुद्ध घी। अब ये थोड़ी देर तक भाई घी बन जाएगा। ये देखो भाई अब देखेंगे आप, ये देखो भाई साहब क्या बात है भाई, सोना लग रहा है। ये अपना भाई जो घी है रेडी हो चुका है। अब ये घी भाई ये देखो पैक हो जाएगा डायरेक्ट, कोई भी मिलावट नहीं है भाई इस घी में, एकदम नेचुरल प्रोसेस। आपके सामने पूरा प्रोसेस भाई मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये देखो A2 घी बनकर बिल्कुल तैयार है, और इस पद्धति से घी आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं। ये 4 से 5 हजार साल पुरानी पत्ती है, बुजुर्ग इस प्रकार से बनाते थे। और इसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हमारी वेबसाइट है पुरानी ढाणी के नाम से, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, और अमेजन के ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 954-90-50-17-9।